दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है इच्छा शक्ति, जिसकी बदौलत आप सब कुछ बदल सकते हैं। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उड़ीसा में बैंगन बेचने वाले की एक बालिका थी। दुनिया की दृष्टि से उसमें कोई अच्छाई नहीं थी, न धन न रूप, किंतु दुनिया की दृष्टि से नगण्य उस बालिका को संत जयदेव गोस्वामी जी का पद गीत गोविंदम बहुत ही भाता था। वह दिन रात गुनगुनाती रहती थी और भगवान के प्रेम में डूबती उतरती रहती थी। वह घर का सारा काम करती, पिता माता की सेवा करती और दिन भर जयदेव जी का पद गुनगुनाया करती थी। पूर्णिमा की रात थी, पिताजी ने प्यारी बच्ची को जगाया और आज्ञा दी, बेटी अभी चांदनी है, इसी प्रकाश में बैंगन तोड़ लो, जिससे प्रातः काल मैं बेच आऊं। वह गुनगुनाती हुई सोई थी, गुनगुनाती हुई जाग गई। जागने पर इस गुनगुनाने में उसे बहुत रस मिल रहा था। वह गुनगुनाती हुई बैंगन तोड़ने लगी, कभी इधर जाती कभी उधर, क्योंकि चुन चुन कर बैंगन तोड़ने थे। उस समय एक ओर तो उसके रोम रोम से अनुराग झर रहा था और दूसरी ओर कंठ से गीत गोविंद के सरस गीत प्रस्फुटित हो रहे थे। प्रेम रूप भगवान उसके पीछे कभी इधर आते कभी उधर जाते। इस चक्कर में उनका पीताम्बर बैंगन के कांटों में उलझ कर चिथड़ा हो रहा था, किंतु इसका ज्ञान न तो बाला को हो रहा था न उसके पीछे पीछे दौड़ने वाले प्रेमी भगवान को। विश्व को इस रहस्य का पता तब चला जब सुबह भगवान जगन्नाथ जी का पट खुला और उस देश के राजा पट खुलते ही भगवान की झांकी का दर्शन करने गए। उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ कि पुजारी ने नए पीताम्बर को भगवान को नहीं पहनाया, जिसे वे शाम को दे गए थे। वे समझ गए कि नया पीताम्बर पुजारी ने रख लिया है और पुराना पीताम्बर भगवान को पहना दिया है। उन्होंने इस विषय में पुजारी से पूछा। बेचारा पुजारी इस दृश्य को देखकर हैरान था। उसने तो भगवान को राजा का दिया नया पीताम्बर ही पहनाया था, किंतु राजा को पुजारी की नियत पर संदेह हुआ और उन्होंने उसे जेल में डाल दिया। निर्दोष पुजारी जेल में भगवान के नाम पर फूट फूट कर रोने लगा। इसी बीच में राजा कुछ विश्राम करने लगा, उसे नींद आ गई। स्वप्न में उसे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हुए और सुनाई पड़ा कि पुजारी निर्दोष है, उसे सम्मान के साथ छोड़ दो। रह गई बात नए पीताम्बर की, तो इस तथ्य को बैंगन के खेत में जाकर स्वयं देख लो। पीताम्बर के फटे अंश बैंगन के कांटों में उलझे मिलेंगे। मैं तो प्रेम के अधीन हूँ, अपने प्रेमी जनों के पीछे पीछे चक्कर लगाया करता हूँ। बैंगन तोड़ने वाली बाला के अनुराग भरे गीतों को सुनने के लिए मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा हूँ और इसी में मेरा पीताम्बर कांटों में उलझकर फट गया। जगन्नाथ मंदिर की देखरेख, भोग आरती आदि सभी तरह की व्यवस्था करने वाले राजा के जीवन में इस अद्भुत घटना ने रस भर दिया। वो भगवान के अनुराग में मस्त रहने लगे। बैंगन तोड़ने वाली एक बाला के पीछे पीछे भगवान उसके प्रेम में घूमते रहे। यह कहानी फूस की आग की तरह फैल गई। जगत के स्वार्थी लोगों की भीड़ उसके पास आने लगी, कोई पुत्र मांगता तो कोई धन। इस तरह भगवान के प्रेम में बाधा पड़ते देख राजा ने जगन्नाथ मंदिर में नित्य मंगला आरती के समय गीत गोविंद गाने के लिए उस बालिका को मंदिर में संरक्षण दिया। उसकी सुरक्षा व्यवस्था की, तब से नित्य मंगला आरती में गीत गोविंद का गान श्री जगन्नाथ मंदिर में होता आ रहा है। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान तो प्रेम के अधीन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।